चित्रकूट बरगर जमीरा इंग्लिश प्राइमरी स्कूल में बीएसए की खुली पोल। आपको बता दें, जमीरा इंग्लिश प्राइमरी स्कूल जो मेन रोड के किनारे गांव में स्थित है, वहां पर आज मिशन प्रेरणा संगोष्ठी का कार्यक्रम था, जो छोटे बच्चों के प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। इस संगोष्ठी का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर एसडीएम मऊ नवदीप शुक्ला व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओमकार राणा द्वारा किया गया। वहां पर पूरे क्षेत्र के स्कूल के टीचर मौजूद रहे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, क्लास 2 का उद्घाटन फीता काटकर बड़े उत्साह वर्धन के साथ एसडीएम मऊ द्वारा किया गया। उन्होंने वीडियो में क्या कहा आप देख सकते हैं। उनका जो है संदेश बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने बच्चों के बारे में क्या कहा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जब रिपोर्टर मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार ने बीएसए महोदय से स्कूल के बारे में जानना चाहा और मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार ने बीएसए महोदय से कहा कि आपके आदेश अनुसार विद्यालय में अध्यापक 9 बजे तक नहीं आते हैं, इसमें आप क्या कार्यवाही करते हैं? या 9 बजे से 9:30 बजे तक ताला लगा रहता है, इसमें आप क्या कार्यवाही करते हैं? या बच्चों के पीने के पानी के लिए विद्यालय में पानी नहीं है, उसमें आप क्या सुविधा करेंगे? या बच्चे गड्ढे में गिर जाएं तो जिम्मेदार कौन होगा? इसमें माननीय बीएसए महोदय सही उत्तर नहीं दे पाए। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं बीएसए महोदय के अंदर झोल है। जमीरा इंग्लिश प्राइमरी के प्रधानाचार्य द्वारा बड़ा अच्छा स्कूल में प्रोग्राम रखा गया था, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब देखना यह है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपनी बातों पर कितना खरा उतरते हैं। जब प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम उस स्कूल के अंदर गई तो वहां पर समस्त अध्यापक बीएसए महोदय इंतजार करते नजर आए, लेकिन एसडीएम महोदय मऊ पहले आ गए। उसके आधे घंटे बाद बीएसए महोदय चित्रकूट आए और उनका काफ़ी स्वागत अच्छे से किया गया और साथ में एसडीएम महोदय मऊ का भी स्वागत किया गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, लेकिन बीएसए महोदय को अपने कर्तव्य का पालन पर ईमानदारी से करना चाहिए और बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल में जाना चाहिए। वहां पर मौजूद एसडीएम मऊ नवदीप शुक्ला, बीएसए महोदय चित्रकूट ओमकार राणा, बीएसए महोदय आदि मौजूद रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम में मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार, मऊ रिपोर्टर दिनेश कुमार द्विवेदी, ब्लॉक रिपोर्टर बद्री विशाल बरगर, रिपोर्टर राज विपिन जितेंद्र, ओम प्रकाश त्रिपुरा रिपोर्टर मौजूद रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ से मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट। मैं प्रयाग एक्सप्रेस मऊ ब्यूरो से रोहिणी कुमार, विषय पेरा संगोष्ठी प्रति विद्यालय जमीरा में श्री बी एस ए महोदय और एडीएम महोदय जी से स्कूल के बारे में कुछ जानकारी चाहूँगा। सिर्फ 4 बिंदु में बात करूँगा मैं। सर, आप यहाँ पे कौन से प्रोग्राम में आए हैं? ये हमारे शिक्षकों का पूरे प्रदेश में हमारे जो शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है मिशन प्रेरणा, उसके अंतर्गत जो हमारे अच्छे शिक्षक हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि हम अन्य टीचरों को दिखाएं, ताकि अन्य टीचर भी प्रेरक बन सके। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिसमें पानी पीने के लिए नहीं है, नल नहीं है और सथियों से कहा जाता है, सथियों टाल मटोल करते हैं, विद्यालय में रास्ता नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये चीज़ें जो है व्यवस्था कराई जा रही हैं सभी विद्यालयों में, और 100 दिन में जो है एक कार्यक्रम है, नीर के कार्यक्रम है, उसके तहत व्यवस्था हो रही, सर्वे हो रहा है, शीघ्र ही उसमें काम हो जाएगा। सर, बच्चे गिर रहे हैं, गड्ढे हैं, उसमें जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, बहुत सी जगह विवादित जगह हैं जहां पर इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, परंतु मेरे संज्ञान में ऐसे विद्यालय नहीं आए। बी एस ए महोदय श्री ओमकार राणा, इन्होंने क्या बात कहा आप सुन सकते हैं। ये अपनी बात पर कितना सही बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन विद्यालय में समय से प्रधानाचार्य नहीं आते हैं, उसके बारे में तरह लगा होता है, कई बार वीडियो वायरल होता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी है या तो इनके कान तक जू नहीं रेंगती, इसकी वजह क्या है बी एस ए महोदय बताएंगे? बताइए सर। अभी आप जो है कि स्कूल में 9 बजे के बाद 9:30 तक ताला लगा होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे ही अगर जानकारी मिलती है तो हम स्कूल निरीक्षण करके
उन अध्यापकों के प्रति जो है कार्रवाई करते हैं। चलिए एडीएम महोदय द्वारा तो बताया जा रहा है, चलिए ठीक है, जो है प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से, मऊ ब्यूरो रोहित कुमार की स्पेशल रिपोर्ट।